आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे आपके कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम के लिए, तो जिसमें कि आपका इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी देखिए आपका 25 मार्क्स का पूछा जाएगा जो कि आपका नॉन टेक 100 मार्क्स का है। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इससे पहले 2 क्लास में हमने इससे रिलेटेड रूल्स देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन से देखेंगे इसमें हम लोग प्रीपोजिशंस के, कि जिसमें कि आपके एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे तो वो हम लोग आज देखेंगे। प्रीवियस वाले क्लास में हमने वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखा था कि प्रीपोजिशन फिल कैसे करना है आपको, बट जो एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा तो इसमें आपका आज जो हम आपको कराएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके का आपका आएगा यहाँ पे। तो देखिए अब तक हम लोगों ने जितने भी इंग्लिश के क्लास किए हुए हैं तो हमने उसका एक सेपरेट से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट सर्च करना, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आज। तो इसमें देखिए जो आपका एग्जाम में जो एक्चुअल पेपर आपका आएगा तो इस तरीके का आता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज आपको कराया होगा तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें आपको जैसे इस तरीके से दिया रहेगा आपका कि जैसे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस होंगे इसमें जो सेंटेंस आपका दिया रहेगा जो कि अंडरलाइन रहेगा और उनमें से कोई एक इनकरेक्ट होगा, तो आपको वो जो यानी कि जो वर्ड या फ्रेज है उस वो जो इनकरेक्ट है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है गिवन ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जैसे कि आपका वो क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो यानी कि जो सेंटेंस दिया रहेगा तो वो कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो आपका प्रीपोजिशन से हो या फिर आर्टिकल से हो या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो, वो कोई भी ग्रामर का पोर्शन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये आखिर है किससे, और उसके रिलेटेड आपको पहले स्टडी भी करना होगा कि आखिर रूल्स का क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका पहला है इसमें सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि ही टुक लीव ऑफ 4 डेज, तो इसमें देखिए जो आपका अंडरलाइन किया गया आपका यहाँ पे उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे है ऑफ 4 का यहाँ पे दिया हुआ है तो यानी कि ऑफ 4 डेज, तो इसमें रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन जो 3 आपका है सी वाला में उसमें रॉन्ग आपका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लीव की बात कही जा रही है। तो जब भी हम लोग लीव लेते हैं यानी कि छुट्टी लेने की बात कही जा रही है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लीव 4 का, ना कि लीव ऑफ का यूज़ करते हैं। तो ये सारा रूल हमने डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा जब आप लोग एक बार देखिएगा वीडियोज़ को। तो अब तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ आपका वही सेम चीज़ है, इसी पैटर्न पे आपका रहेगा कि इनकरेक्ट वर्ड या फ्रेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो कि अंडरलाइन किया गया है और आपको ढूंढना है कि वो कौन सा रहेगा। तो देखिए सेंटेंस है कि द चिल्ड्रेन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर इल्डर्स एज वेल एज विसर्स, तो अब इसमें से देखिए जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें कहाँ पे आपका मतलब कि मिस्टेक है या इनकरेक्ट है, तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि लिसन द एडवाइस, तो देखिए जब भी लिसन का यूज़ हम लोग करते हैं तो लिसन के साथ हम लोग लिसन टू का यूज़ करते हैं, तो इसमें जो आपका लिसन द दिया हुआ है द एडवाइस, तो यहाँ पे क्या होगा लिसन टू द एडवाइस होगा ऑफ देयर एल्डर्स, तो ये लिसन के साथ टू का प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं, तो किस वाले पार्ट में आपका एरर होगा, तो देखिए ऑप्शन बी में जहाँ पे आपका क्या दिया हुआ कि लिसन द एडवाइस, यहाँ पे क्या होना चाहिए लिसन टू यूज़ होगा। तो आपको देखिए इसीलिए सबसे पहले आपको ग्रामर अच्छे से समझना होगा, तो उसके लिए हमने इसलिए देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टार्ट किया हुआ है। अभी हम जैसे प्रीपोजिशन हमने आपको स्टार्ट किया हुआ है, इसके बाद और भी जो चीज़ है जैसे आर्टिकल का हो गया या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया या क्वेश्चन टैग्स का हो गया, जो बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में, तो वही वही टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बिल्कुल वही पैटर्न पे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक्चुअल वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें भी सेम पैटर्न ही है कि नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स, तो यहाँ पे देखिए एरर किस में होगा, तो इसमें देखिए जो आपका डिफरेंट देन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें एरर है, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखिए डिफरेंट के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आइडियाज़ के बारे में कही जा रही है कि यानी कि जो भी आइडियाज़ है उसके पास वो क्या है कि वो उसके मतलब कि जो पर्सन अगला है तो उससे क्या है कोई भी डिनाइज नहीं करता है कि उसका आइडिया डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम कहते हैं हम लोग, किसी के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसमें आपका एरर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है डिफरेंट देन नहीं क्या आपका यहाँ पे होगा डिफरेंट फ्रॉम होगा। फिर देखिए अगला है सेंटेंस आपका अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे कि इट वाज आई
हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कम्प्लीसन ऑफ हिज स्टडीज़। तो इसमें देखिए एरर कहाँ पे आपका होगा, तो यहाँ पे देखिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो आपका ऑफ जो यूज हुआ है प्रीपोजिशंस का, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा हम लोग जैसे कि फॉर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका एरर है। तो देखिए किस में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका, यानी कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग होगा। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो अंडरलाइन सेंटेंस रहेगा आपका वहाँ पे। तो ये आइडिया आपको कब आएगा, जब आप लोग एक बार अच्छे से पढ़े रहिएगा कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब कि इसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो यानी कि प्रीपोजिशन क्या यूज़ होगा। तो ये चीज़ थ्योरी जब एक बार देखे रहिएगा तो आपको ये बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है कि सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड विद द बर्गलर्स इंटर इन टू हर हाउस। अब इसमें देखिए एरर कहाँ पे है, तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताया भी था कि देखिए जब भी इंटर इंटर जहाँ भी आपको वर्ड मिले तो उसके साथ इंटू का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें देखिए जो इंटर इंटू लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इंटर्ड होगा, यहाँ पे इंटू करना गलत है। तो देखिए जो इंटर इंटू आपका किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यानी कि जो ऑप्शन सी आपका है यहाँ पे एरर होगा। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहेगा, अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, और आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा जो अंडरलाइन जो है यहाँ पे फ्रेज या वर्ड दिया हुआ है कि जिसमें एरर है, तो आपको वही ऑप्शन को टिक करना होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको पहले एक बार स्टडी करना होगा। फिर देखिए अगला है कि ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड है असेंबल्ड। तो इसमें देखिए एरर कहाँ पे आपका है, तो देखिए इसमें जो ऑन का यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन द टाइम नहीं, यहाँ पे हम लोग एट द टाइम का यूज़ करेंगे, यानी कि एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड है असेंबल्ड। तो ऑन यहाँ पे क्या हुआ, एरर आपका हो गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसमें क्या है, यहाँ पे एरर होगा। तो जहाँ भी अंडरलाइन हुआ है आपका जो कि जिसमें एरर है, और जिसमें भी ऑप्शन में देखिए कि वो दिया हुआ है, तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वही ऑप्शन आपको टिक करना है वहाँ पे। फिर देखिए अगला आपका है कि द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। तो इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ का यूज़ किया गया है, तो ये गलत यूज़ किया गया, यहाँ पे क्या यूज होगा, डिक्लाइन इन होगा, क्योंकि उसका जो मॉरल वैल्यू है, तो जो डिक्लाइन जहाँ भी होगा तो वो उसके अंदर का मतलब जो मॉरल वैल्यू होगा वो डिक्लाइन होगा। यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ का यूज़ करना क्या है, यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर यूज होगा, डिक्लाइन इन होगा यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन वन यानी कि ऑप्शन ए आपका है जिसमें कि एरर होगा इसका, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर देखिए अगला है कि सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राई टू सेव हिम। तो देखिए किस वाले पार्ट जो अंडरलाइन आपका किया गया है उसमें एरर है, तो यहाँ पे देखिए जो फेल इन दिया आपका है, तो इसमें एरर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे सुधा है तो वो वेल में यानी कि कुएं में वो गिर रही है, तो यहाँ पे फेल इन नहीं, यहाँ पे फेल इनटू करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए जब भी कोई मोशन में रहता है तो वहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया भी था जब आपको थ्योरी पढ़ाया था। तो यहाँ पे सिंस क्या है कि वो कुएं में गिर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो मोशन में गिरेगी, तो इसलिए क्या है यहाँ पे प्रॉपर यूज़ करना होगा, फेल इनटू होगा, यानी कि जो पार्ट ए आपका है, यानी कि ए जो ऑप्शन है, इसी में एरर आपका होगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर देखिए अगला है कि सी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी। तो इसमें देखिए कहाँ पे एरर आपका है, कौन सा जो अंडरलाइन वर्ड है, तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है कि एंग्री ऑन मी, तो यहाँ पे एरर होगा, यहाँ पे देखिए एंग्री ऑन का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एंग्री विद का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए एंग्री विद का यूज़ वहाँ पे हम लोग करते हैं कि जब कोई पर्सन का मेंशन किया रहता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति का उल्लेख किया रहता है, तो वहाँ पे हम लोग एंग्री विद का यूज़ करते हैं, यहाँ पे एंग्री ऑन का यूज़ करना गलत है। और एंग्री एट का यूज़ हम लोग भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग करते हैं जब किसी चीज़ के साथ, यानी प्रपोजल के साथ होता है, यानी कि और भी कोई चीज़ हो गया या कोई वस्तु हो गया, तो उसके साथ एंग्री एट का वहाँ पे यूज़ किया था, और विद के यहाँ पे यूज़ करेंगे जब किसी पर्सन का मतलब कि उल्लेख किया गया हो। तो यहाँ पे सिंस दिया हुआ है कि सी वॉज एंग्री ऑन मी, मतलब मी यहाँ पे कोई पर्सन ही है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं क्या होगा, विद का यूज़ होगा। अब यहीं पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता, तो वहाँ पे एंग्री एट का यूज़ करते। तो देखिए ऑन मी किस में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में है, तो इसलिए आपका आंसर जो क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, यानी कि बी जो इसमें दिया हुआ ऑप्शन उसी में एरर होगा। फिर देखिए अगला है कि ही हैड
अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वॉज एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए एरर किस में होगा, तो यहाँ देखिए जैसे आपका दिया हुआ है कि एडमिटेड इन टू है, तो एडमिटेड इन टू नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एडमिटेड टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे उसको एडमिट किया जा रहा है हॉस्पिटल में, तो उस सेंस में हम लोग एडमिटेड टू का यूज़ करते हैं, ना कि इन टू का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो किस में आपका एरर हो जाएगा, जिसमें आपका इन टू एडमिटेड इन टू दिया हुआ जिस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ एडमिटेड इन टू, तो ये क्या है आपका मतलब कि ये गलत है, यही इनकरेक्ट आपका है इसमें। और फिर देखिए अगला है कि ही वॉक 10 माइल्स बाई फुट। अब इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे बाई फुट दिया हुआ है, तो सिंस जब भी कोई पर्सन जैसे पैदल चलता है, यहाँ पे वॉक करने की बात कही जा रही है, तो वहाँ पे बाई फुट नहीं, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन फुट का यूज़ करते हैं, यानी कि ही वॉक 10 माइल्स ऑन फुट। और बाई का वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जब हम कोई जैसे कि बस से चलते हैं या फिर और भी कोई व्हीकल्स हो गया उससे चलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बाई बस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे बाई फुट नहीं, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन फुट का यूज़ करेंगे। तो देखिए बाई फुट किस में दिया आपका, तो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, तो यानी कि जो ऑप्शन सी है यही क्या आपका इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से ही आपको जैसे एग्जाम में ऑप्शन को देखना होगा कि किस में जो मतलब सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा जो अंडरलाइन है वो इनकरेक्ट है, तो इसके लिए आपको पूरा ग्रामर का जैसे रूल्स होना पता होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए हमने क्लास भी स्टार्ट किया हुआ है और इसी तरीके से हम आपका जो फिनिश कर देंगे सारा ग्रामर जो पोर्शन है जहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इसमें। फिर देखिए अगला है कि ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। तो इसमें देखिए जो आपका गुड इन दिया हुआ है, तो जब भी कोई पर्सन किसी चीज़ में निपुण होता है यानी कि उसमें अच्छा होता है, तो वहाँ पे गुड एट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे इन का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें जो आपका गुड इन दिया हुआ है जो अंडरलाइन है, तो यही क्या आपका एरर है। तो देखिए कौन से ऑप्शन आपका दिया हुआ है गुड इन, तो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यही वाला जो है इनकरेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अरेव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए एरर किस में आपका होगा, तो यहाँ पे देखिए जो आपका इन टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये एरर है इसमें, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था दो चीज़ कि एक आपका इन टाइम का और एक बताया था आपको ऑन टाइम का। तो ऑन टाइम का मतलब होता है कि ठीक समय पर, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे, यानी कि 10 बजे तो 10 बजे, उसमें 1-2 मिनट का भी लेट नहीं। तो ये कैसे आप समझिएगा, तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के समझना होगा। तो इसमें जैसे कि ये इन लोगों को समझ, ये मतलब कि ये जो पर्सन है यहाँ पे ये सोच रहे थे कि जैसे ट्रेन क्या होगा, लेट होगा, यानी कि इन्होंने सोचा था कि ट्रेन लेट होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या आया, टाइम पे आया। तो जब भी टाइम पे कोई चीज़ होता है, तो वहाँ पे हम लोग इन नहीं, वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन का मतलब ही होता है कि एकदम ठीक समय पे, और इन का मतलब होता है इन टाइम का कि समय से, वो थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर 1-2 मिनट लेट हो सकता है। तो ये दो संदर्भ आपको याद रखना होगा, और इनसे भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जाता है, और ये वही सारे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब इसी टाइप से और इसी रूल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना सही होगा, यहाँ पे ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। तो देखिए इन टाइम किस में आपका दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, यही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। फिर देखिए अगला आपका है कि डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही टच ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वॉज इलेक्ट्रिक्यूटेड। तो इसमें देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ का दिया हुआ है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था एक आपका होता है कि इन स्पाइट ऑफ और एक होता है डिस्पाइट। तो जिसमें भी जिसमें आपको डिस्पाइट लिखा रहता है, तो उसमें ऑफ खुद ही रहता है, तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ का यूज़ करना मतलब कि ऑफ इसमें लगाना, ये सुपर प्लस एरर है, मतलब कि ये एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो डिस्पाइट ऑफ नहीं, सिर्फ डिस्पाइट होगा कि डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग। तो इस तरीके से आपका जो ऑफ है यानी कि डिस्पाइट ऑफ, देखिए किस वाले में आपका है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर आपका क्या, ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। तो आपको देखिए इसी तरीके से जितना भी रूल्स मैंने आपको दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोग उतना तो कर ही लेना, क्योंकि हमने उसमें देखिए सारा चीज़ इंपॉर्टेंट जितने भी रूल्स होते हैं वो हमने कवर कर लिया है, और आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में उन्हीं में से ही आ सकता है आपका, तो वो तो एटलीस्ट आप लोग कर ही लेना यदि आप लोग और कुछ नहीं करते हैं तो। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। तो इसमें देखिए आपका एरर किस में होगा, तो यहाँ देखिए आपका जो टू होम आपका इसमें जो लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग टू का यूज़ इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम कहीं पे घर जाते हैं वहाँ पे, तो उसके साथ में हम लोग जैसे कि अरीब का या रीच का या गो या कम के साथ मतलब कहीं भी आपका यूज होता है वहाँ पे हम लोग, तो उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो सिंस यहाँ भी जैसे कि घर पहुँचने की बात कही जा रही है, या अरीब करने की बात कही जा रही है, या कम होने की वहाँ आने की बात कही जा रही है, तो वहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे टू होम का यूज़ करना गलत है। तो सिर्फ इसमें क्या यूज होगा,
यानी कि कैसे यूज आप लोग इसको करेक्टली पढ़िएगा, तो ही वॉन्टेड टू गो होम, यहाँ पे टू का यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है। एज ही वॉज सिक, तो इसमें देखिए जो टू होम आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यही आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था CIA में, जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, तो इसमें आपका सेम देखिए उसी टाइप का ही क्वेश्चन इसमें था कि वी रीच डैश हिज हाउस शॉर्टली आफ्टर 6 o'clock। तो यहाँ भी देखिए जैसे घर पहुँचने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे आपका जैसे कि दिया हुआ है कि आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे हम लोग जैसे टू का यूज़ करेंगे कि वी रीच टू हिज हाउस शॉर्टली आफ्टर 6 o'clock, लेकिन जब भी हम कहीं पे घर पहुंचने की बात कही जा रही हो या रीच करने की बात कही जा रही हो यहाँ पे जाने की बात कही जा रही हो, तो वहाँ भी कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पे, नो वर्ड नीडेड, यानी कि ऑप्शन थ्री आपका सही होगा। तो आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक तो आपका रहेगा कि जैसे आपको प्रॉपर प्रीपोजिशन फिल कीजिए वहाँ पे, और एक तरीका आपका रहेगा कि जैसे मैंने अभी आपको कराया वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि जो भी ग्रामर का है, तो देखिए इसी तरीके से जो आपका और भी पोर्शन है ग्रामर का और क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आपके मतलब जिस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में उसी तरीके से आपका हम प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन के साथ में। तो इस तरीके से देखिए ये जो प्रिपोजिशन था आपका यहाँ पे फिनिश होता है। तो जितना मैंने आज आपको कराया है और पिछले वाले जो थ्योरी क्लास कराए, यदि आप लोग उतना कर लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सकते हैं। इतना में आप लोग क्वेश्चन तो बिल्कुल कर लीजिएगा, यदि आप लोग अपने से नहीं भी करते हैं तो उतना तो एटलीस्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमने उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है या फिर जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिन भी टॉपिक से, तो वो चीज़ हमने उसमें कवर कर लिया है। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के मॉग में।